तो आज जो है रानी अपने घर जा रही है, तो वो रेडी हो चुकी है। शायन भी छोड़ने जा रहे, वो रेडी है, स्कूल उधर से चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और रानी सुबह 5 बजे से उठ गई है कि मुझे बॉम्बे जाना है ना। तो अभी हम लोग चलेंगे स्टेशन इसे छोड़ने, तो फिर चलते हैं। दिया के बोले दा तो अभी देखिए स्टेशन आ चुके और ये दोनों में फाइट हो रहा है कि मैं बैग लूंगा, वो बोल रहा मैं पकड़ूंगा। दोनों में झगड़ा हो रहा है कौन लेगा। तो अभी संदीप जी प्लेटफॉर्म टिकट लेकर आ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। और पूजा गई है थोड़ा पापाई को फ्रेश करवाने। और पापा ही अपने मामा के गोदी में जा चुकी है। कने तो हम लोग स्टेशन, अभी ट्रेन आई नहीं है, आने में भी थोड़ा टाइम है। एडी केशो ट्रेन आने ही वाली है, तो हम लोग चल रहे हैं। कहाँ पे इनका बोगी नंबर है तो उधर ही जा रहे हैं। तो ट्रेन आ चुकी है, देख सकते हैं आप। बोले बाबा तो पूरे पास में मिल गया। ए टू इखान दिखे चलो। बाय रान। इधर कर रहा था तब दोनों करो। शोना बाय बाय। फटाक करे आबार चले आजबे हैं। फटाक करे आजबे। बुलाबा मार्च मास तो। बाय रान। रोज़ा बेटा। अरे। बाय। पापा ही को छोड़ने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं सायन को स्कूल छोड़ने। उसका टाइम हो चुका है स्कूल का, तो अभी चलते हैं स्कूल। फिर तो सायन को स्कूल छोड़ चुके हूँ। जा रहा है वो अपने क्लास में, तो अभी इनका प्रेयर स्टार्ट हो चुका है। तो सायन को स्कूल छोड़ चुकी, अब तो देखे उसका प्रेयर स्टार्ट हो ही चुका था। शायन को भी स्कूल छोड़ दिया और रानी भी चले गई, तो बहुत ही घर अजीब सा लग रहा है। खास करके संदीप जी बहुत अपसेट, मतलब उनको बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि ज़्यादा सबसे ज़्यादा अटैचमेंट रानी का संदीप जी से रहा है। तो शायन भी स्कूल में बोल रहा था मैं नहीं जाऊँगा मम्मी, मुझे बहुत खराब लग रहा। तो पूरा साइलेंट हो चुका है। तो प्लीज़ इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।